मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। स्वच्छता के नाम पर सरकार लाख दावा करती है और इनकी रूपरेखा भी तैयार की जाती है। जिला प्रशासन स्वच्छता अभियान को लेकर अमल करने का भी दम भरती है। क्या वाकई जिला प्रशासन स्वच्छता अभियान को लेकर के सजग है या फिर स्वच्छता भारत मिशन केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं बनी। शासन प्रशासन ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन 6 साल बाद भी स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत धमतरी में जैसे कि वैसे ही नजर आ रही है। ताजा मामला धमतरी जिले की कुरूद नगर पंचायत क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत कन्हारपुरी रोड के किनारे कुरूद नगर का कचरा डंप किया जा रहा है, जहां से असहनीय बदबू उठ रही है। इस रोड से गुजरने वाले राहगीर बदबू से परेशान हो रहे हैं। कुरूद नगर में स्वच्छ मिशन के तहत घर घर कचरा कलेक्शन किया जाता है। नगर से प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा निकलता है। कन्हारपुरी रोड स्थित नगर की खाली घास भूमि पर कचरा डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या सिर्फ नगर को ही स्वच्छ रखा जाना है? नगर पंचायत कुरूद द्वारा नगर से कचरा उठाकर ग्रामीण क्षेत्र को गंदा किया जा रहा है। जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नहीं, मेरी संज्ञान में आई है बात जो है, और इसको मतलब किनारे की एक करवाया जा रहा है जेसीबी से, जिससे किसी को आवागमन में असुविधा ना। सर, और किस प्रकार से योजना बढ़ रही है कि कोविड-19 को हराने की? वहीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत के सीएमओ का जवाब तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन डंप कचरे को हटवाने की बात कही गई है। देखना यह होगा कि नगर पंचायत कुरूद स्वच्छता को लेकर कितना गंभीर है। धमतरी से मीडिया 24 न्यूज के लिए योगेंद्र साहू की रिपोर्ट। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।